नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा है, रामनवमी के अवसर पर जो झांकियां निकलेंगी और जो कमेटी इस काम को करती है उसके अध्यक्ष जो हैं सरदार जगजीवन सिंह हमारे साथ हैं। कोरोना काल में थोड़ा मैंने भीड़ कम हुई, लेकिन इस बार उम्मीद है कि 5 लाख से ज़्यादा भीड़ जुटेगी। क्या व्यवस्था किया है जगजीवन जी आपने? देखिए, कोरोना काल के बाद पिछले साल से शुरुआत फिर हुई थी, पिछले साल भी काफ़ी भीड़ थी और इस साल हमको लगता है कि उससे दो गुनी ज़्यादा भीड़, करीब 5 लाख का अनुमान। हाँ, करीब 5 लाख का अनुमान है और 2 गुने से ज़्यादा भीड़ होगी। और पूरा पटना, जो कि हम लोग की एक इच्छा थी, आज से 13 साल पहले हम लोग को इस संस्था को हमने शुरू किया था, हम लोग की इच्छा थी कि पूरा पटना राममय हो। धीरे धीरे आज पूरा पटना राममय होते जा रहा है, राम के मतलब भजनों में, राम के राममय के साथ, झंडे के साथ पूरा राममय होते जा रहा है। कल मुख्यमंत्री से लेकर उनके तमाम कैबिनेट के मंत्री, विपक्ष के विपक्ष में मान लीजिए कि जो नए प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, विपक्ष के नेता थे सम्राट चौधरी से, सबका जुटान इस मंच पर होगा। कैसे सामंजस्य बैठाएंगे नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी? देखिए, ये तो कार्यक्रम जो है आध्यात्मिक कार्यक्रम है, इसमें कोई पार्टी से और पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं रहता है, इसलिए सब सामंजस्य बैठ जाता है। सब राम के भगत हैं, राम को मानने वाले सभी हैं। हमारे ही गुरु ग्रंथ साहब में 17,000 बार राम भगवान का नाम आता है, इसलिए राम के भक्त सब हैं, इसलिए कोई समझ बैठाने में दिक्कत नहीं है, कोई समझ की कोई जरूरत ही नहीं है, राम के भक्त सब हैं। जगजीवन जी, कल ये तो नहीं होगा कि इसी मंच से नीतीश कुमार जो अंदर आत्मा की आवाज़ सुनते हैं कहीं उनको सुनाई दे दे फिर भाजपा की तरफ? ये तो अंतर आत्मा की आवाज़ हम लोग नहीं बता सकते हैं, वही बता सकते हैं। चलिए, और इतने श्रद्धालु जुटेंगे, पूरे रोड खचाखच भरा रहेगा, प्रशासन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तमाम सेक्टर मजिस्ट्रेट और सब लोग रहेंगे, क्या आप अपने तरफ से प्याऊ या पानी वगैरह की व्यवस्था किस तरीके से? गर्मी बहुत ज़्यादा रहेगी। पूरे पटना में 20 जगह हम लोग की तरफ से प्याऊ लगती हैं शरबत के साथ, और पूरे न्यू मार्केट में भी शरबत लगता है, लेकिन पूरे यात्राओं के रास्ते में स्वागत के लिए शरबत के स्टॉल लगे रहते हैं, इसलिए उस व्यवस्था में कोई कमी नहीं रहेगी। और रहेगी इस प्रशासन की बात, प्रशासन का भी पूरा सहयोग रामनवमी के लिए रहता है। हाँ, टोटल जहाँ जहाँ ब्रीफिंग करके उन्होंने बता दिया है, यहाँ पूरा सहयोग रहता है, इस तरीके से ही रहेगा। कुछ विशेष और कार्यक्रम कल की शाम के लिए या कल सिर्फ झांकियों का कार्यक्रम? नहीं, कल तो विशेष एक देखिए शंखनाद वाले आते हैं, उनका बहुत ही शंखनाद उमदा रहता है, फिर भक्तिमय गीतों का भी प्रदर्शन होता है। और मंच पर तो आप इस बार देखिए नया मंच बना है, मंच की जो शोभा देखते बनती है, आप उस मंच को भी आप वीडियोग्राफी कर सकते हैं, वो दिखाएंगे एकदम, मतलब पटना आपको एक जगह पैर रखने की जगह मिलेगी, पूरा पटना राममय होगा। अंतिम सवाल, लोग कहते हैं कि जगजीवन सिंह आज के ही दिन यहाँ जुड़ते हैं, राम चौक नाम पड़ जाता है, जुड़ते हैं, अपना कमर्शियल प्रचार भी करते हैं, कहाँ तक सही है ये बात? कमर्शियल प्रचार तो अभी पूरे पट्टा में घूम जाइए, कहीं भी हमारी अगरबत्ती का प्रचार तो नहीं है, देखा कि कहीं नहीं है। लोग हम कहते हैं खुद ही में ही प्रचार हैं हम, इसलिए कहीं कमर्शियल प्रचार की जरूरत नहीं है। सरदार जगजीवन सिंह जो श्री राम शोभा यात्रा समिति के अध्यक्ष हैं और कहे कि कमर्शियल प्रचार की उनकी ज़रूरत नहीं है, उनका ये 5 फुट का शरीर ही कमर्शियल प्रचार है उनके लिए, और तन मन धन से लगे रहते हैं। आपको पता है संयुक्त सचिव जो है नितिन नवीन है, सुबह हमने उनसे बात की, अब शाम को जब सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होगा हम बिहार संवाददाता के लिए उसे भी लेकर आएंगे अपने खबरों पर, लेकिन आप बने रहिए बिहार संवाददाता के साथ।